Now, hello friends, yes. Okay, कैसे हो आप? Now, okay, ठीक है, ऐसी अपेक्षा रखता हूँ. अभी अपन ने लास्ट टाइम आपके डाउट सॉल्विंग को लिया था और उसमें अलग अलग बच्चों ने उसके अलग अलग प्रकार के डाउट्स अपने को दिए थे. उसके अकॉर्डिंगली टुडे वी आर टेकिंग सम क्वेश्चंस रिलेटिंग टू योर डाउट. तो एक क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ये क्वेश्चन है वैष्णवी खड़े फ्रॉम इंद्रानगर ब्रांच. क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आज का, ओके, लॉग ऑफ इन लाइट ब्रैकेट ई टू द पावर एक्स ब्रैकेट फाइव माइनस फोर एक्स रेस्ट टू द पावर थ्री बाय टू डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ सेवन माइनस सिक्स एक्स ब्रैकेट क्लोज. ओके, अब इनका कहना है इसको डिफरेंशिएट करके बताओ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके, तो आपको मालूम है वी शुड कंसिडर इट एज वाई. तो वाई ले लिया पहले, वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ इन ब्रैकेट फाइव माइनस फोर एक्स रेस टू द पावर थ्री बाय टू होल अपन. आपको मालूम है मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 7 माइनस 6x रेस टू द पावर 1/3. वी कैन राइट दिस वे 1/3 बाय अप्लाइंग लॉग प्रॉपर्टी log m अपॉन n log m माइनस log n दैट इज y इक्वल टू, सिंपल कर रहे हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा. तो अप्लाई द लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी, उसके अनुसार इट वर्क फॉर n log m अपॉन n log m माइनस n. तो log ऑफ m means e to the power x bracket 5 minus 4x raised to the power 3 by 2 log m minus log n log of n here 7 minus 6x raised to the power 1/3. That can be by using log property y equal to log of e to the power x plus मालूम है log m into n log m plus log n power आगे आ जाएगी plus 3/2 log of 5 minus 4x minus 1/3 बाहर लिखो log of 7 minus 6x. we are able to differentiate it. अब इसका differentiation करना बहुत आसान हो गया. Differentiate, we have to write what we are doing. Differentiate with respect to x. We get dy by dx is equal to. Okay, एक स्टेप बढ़ा दो क्योंकि पावर आगे आ जाएगी. एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं. एक स्टेप बढ़ा देते हैं, लुक एट, पहले पूरी पावर को अलग कर दो. तो इसको मैं लिख सकता हूँ x y इक्वल टू x टाइम्स ऑफ log e प्लस 3/2 log of bracket 5 minus 4x minus 1/3 log of 7 minus 6x. बट वी हाउ log e की वैल्यू कितनी होती है, कौन बोलेगा? वेरी गुड, 1 होती है. तो क्या मिला, y इक्वल टू x इंटू 1 दैट बिकम x प्लस 3/2 log of इन ब्रैकेट 5 minus 4x -1/3 into log of bracket 7 minus 6x. Differentiate with respect to x. We are going to differentiate it. Differentiate with respect to x. What we have? We have dy by dx. X ka derivation kitna hota hai? 1 hota hai. Plus 3/2 is a constant value taken outside, but it is not separate constant. It involves with the variable x. तो log x का डेरिवेशन होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन 5 माइनस 4x. स्टिल इट वॉज अ कंपोजिट फंक्शन नॉट ओनली log x. देन वी डिफरेंशिएट द कंपोजिट पार्ट दैट इन d by dx ऑफ 5 माइनस 4x माइनस 1/3 कॉन्स्टेंट है
ओके लॉग इट वर्क एज एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेशन 1 अपॉन 7 माइनस 6 एक्स पर कंपोजिट है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 7 माइनस 6 एक्स दैट इज डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 3 बाई टू 1 प्लस 3 बाई टू इन ब्रैकेट 5 माइनस 4 एक्स 5 माइनस 4 एक्स इंटू 5 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 4 एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 3 इन ब्रैकेट 7 माइनस 6 एक्स 7 माइनस 6 एक्स इंटू 7 का डेरिवेशन 0 माइनस 6 एक्स का डेरिवेशन 1 गो फॉर कैलकुलेशन वी गेट डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 3 बाई 2 3 इंटू ब्रैकेट इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस 4 मिलेगा डिवाइडेड बाई 2 इन ब्रैकेट 5 माइनस 4 एक्स ओके माइनस ये माइनस 6 है ऊपर लिखता हूँ माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 इन ब्रैकेट 7 माइनस 6 एक्स सिंप्लीफाई किया देन व्हाट वी हैव डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 2 टू द 4 3 टू द 6 प्लस माइनस माइनस 6 अपॉन 5 माइनस 4 एक्स लुक एट 2 टू द 4 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6 दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 6 एक्स एंड इट इज द फाइनल डेरिवेशन ऑफ द गिवन फंक्शन तो वैष्णवी आपका जो डाउट था वैष्णवी खड़े हो जाता है वर ऑन द नेक्स्ट डाउट ओके व्हाट अबाउट नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन आज का डाउट सॉल्विंग में उसी का है वैष्णवी खड़े का ही क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फंक्शन साइन ऑफ इनवर्स एक्स टू द पावर 3 बाय 2 साइन ऑफ इनवर्स एक्स टू द पावर 3 बाय 2 ये आपका क्वेश्चन है और इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेट वही प्रोसेस वाई इक्वल टू साइन इनवर्स x टू द पावर 3 बाय 2 ओके अब मुझे बताइए साइन इनवर्स x का आपको स्टैंडर्ड डेरिवेशन मालूम है दैट इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर तो इट वर्क फॉर x ओके इस कंडीशन में क्या मिला डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो नो प्रॉब्लम तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x व्हाट वी हैव डिवाइड बाय x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का डेरिवेशन होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स मीन दिस थिंग दैट इज एक्स टू द पावर 3 बाय 2 का स्क्वायर एक्स इट वर्क एज एक्स दैट इज एंगल का स्क्वायर बट इट वॉज नॉट एक्स इट वॉज नॉट एक्स इट वॉज एक्स टू द पावर 3 बाय 2 मीन्स इट कम्स अंडर द यस गुड कंपोजिट फंक्शन देन वी डिफरेंशिएट द कंपोजिट पार्ट दैट इज डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 3 बाय 2 ओके गो फॉर डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू गेट कैंसल 1 माइनस एक्स टू द पावर 3 इंटू एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लगाएंगे एन कितना 3 बाय 2 इंटू एक्स टू द पावर 3 बाय 2 माइनस 1 कौन सा फॉर्मूला लगाया फ्रेंड्स एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 ओके बट वी गेट डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 3 बाय 2 इंटू एक्स टू द पावर 3 बाय 2 माइनस 1 सॉल्व करेंगे 1 बाय 2 मिलेगा 12 सी एम 3 माइनस 3 2 इंटू 1 2 3 माइनस 2 1 1 बाय 2 इट कैन बी रिटन है डिवाइड बाई डी एक्स थोड़ा एडजस्ट करके लिखो डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यू इंटू एक्स टू पावर हाफ को मैं लिखूंगा रूट एक्स एंड दैट इज द
डिवाइडेड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, तो इस प्रकार वैष्णवी खाड़े आपका नेक्स्ट जो डाउट था वो भी सॉल्व हो गया। ओके, फिर वैष्णवी खाड़े का और एक क्वेश्चन है, वो मैथमेटिकल लॉजिक से रिलेटेड है। इसका क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन आज के डाउट सॉल्विंग का। इसका क्वेश्चन इस प्रकार है, प्रूव दैट पी बाय कंडीशनल क्यू, प्रूव दैट पी बाय कंडीशनल क्यू इज सिमिलर टू और इज लॉजिकल इक्वलेंट टू नेगेशन इन ब्रैकेट इन स्मॉल ब्रैकेट पी डिसजंक्शन क्यू ब्रैकेट क्लोज कंजंक्शन नेगेशन ब्रैकेट पी कंजंक्शन क्यू ब्रैकेट क्लोज लार्ज ब्रैकेट p by conditional q is equal to negation in large bracket p disjunction q bracket close conjunction negation p conjunction q, इसको अपने को logically equivalent prove करना है। ये question है वैष्णवी खड़े from इंद्रानगर branch। ठीक है, तो देखो मैं truth table के through इसको किस प्रकार से find out करूँगा। चलो truth table के through p क्या हो सकता है, yes p लिखो, q क्या हो सकता है, yes q लिखो। कितने atomic statement है, only two, what are they, p q। कितने values देते हैं, four। चलो पी क्या हो सकता है, क्यों क्या हो सकता है, नेगेशन पी क्या हो सकता है, नहीं है। नेगेशन क्यों क्या हो सकता है, नहीं है। फिर जरूरत है पी डिसजंक्शन क्यू की, यस पी डिसजंक्शन क्यू। फिर जरूरत है पी कंजंक्शन क्यू की, यस। फिर जरूरत है नेगेशन ब्रैकेट पी कंजंक्शन क्यू की, यस। फिर जरूरत है इन इसका इसके साथ मतलब पी डिसजंक्शन क्यू ब्रैकेट क्लोज कंजंक्शन नेगेशन ब्रैकेट पी कंजंक्शन क्यू पूरा ब्रैकेट, ये पूरा ब्रैकेट की जरूरत। और फिर इसका नेगेशन, इसका नेगेशन, ओके एलएचएसआर से दोनों लेना है ना अपने को, तो इसका नेगेशन, तो इसका नेगेशन लेता हूं मैं, नेगेशन पूरा ब्रैकेट लिखो, दैट इज पी डिसजंक्शन क्यू, पी डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन नेगेशन ब्रैकेट पी कंजंक्शन क्यू ब्रैकेट क्लोज लार्ज ब्रैकेट क्लोज लार्ज में लिखूंगा पी बाय कंडीशनल क्यू, पी बाय कंडीशनल। Look at, सब वैल्यू कवर होना चाहिए। ये पी बाय कंडीशनल लास्ट में आ गया और ये इधर आ गया। अब अपने को ये प्रूव करना है कि इस कॉलम की सभी ट्रूथ वैल्यू इस कॉलम की सभी ट्रूथ वैल्यू से शुड बी इक्वल। ओके, इट इज पी कंडीशनल क्यू, इट इज पी बाय कंडीशनल क्यू, पी बाय कंडीशनल क्यू। ओके फ्रेंड्स, लुक एट पी और क्यू, कितने एटॉमिक स्टेटमेंट है, दो। कितनी पॉसिबल वैल्यूज है, फोर। व्हाट आर दे, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ, दो टी दो एफ अल्टरनेट टी एफ टी एफ, टी टी बिकम्स टी, टी एफ बिकम्स एफ, दैट इज टी टी बिकम्स क्यू, डिसजंक्शन है टी बनेगा, एफ टी बिकम्स टी, एफ एफ बिकम्स एफ। ये आपको मालूम है ट्रुथ टेबल के थ्रू, पी कंजंक्शन क्यू, टी टी बिकम्स टी, टी एफ बिकम्स एफ, एफ टी बिकम्स एफ, एफ एफ बिकम्स एफ। इसका नेगेशन किसका, इसका नेगेशन तो अपोजिट, टी का अपोजिट एफ, एफ का अपोजिट टी, एफ का अपोजिट टी, एफ का अपोजिट टी। फिर इसका पी कंजंक्शन क्यू का नेगेशन पी कंजंक्शन क्यू के साथ कंजंक्शन, तो टी एफ कंजंक्शन में एफ बनता है, एफ टी कंजंक्शन में एफ बनता है, एफ टी कंजंक्शन में एफ बनता है, एफ टी कंजंक्शन में एफ बनता है। नाउ लुक एट फ्रेंड्स, एक बार फिर से चेक कर देता हूँ क्वेश्चन बराबर है, देख लो पहले एक बार फिर से। इनका क्वेश्चन है नेगेशन ब्रैकेट पी डिसजंक्शन क्यू ब्रैकेट क्लोज कंजंक्शन नेगेशन पी कंजंक्शन क्यू, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखेंगे पी डिसजंक्शन क्यू टी टी टी, टी एफ टी, एफ टी टी, एफ एफ एफ, कंजंक्शन में टी टी बिकम्स टी, टी एफ एफ, एफ टी एफ, एफ एफ एफ। नेगेशन इसका नेगेशन चाहिए, इसका नेगेशन, इसका टी का नेगेशन एफ, एफ का नेगेशन टी, एफ का नेगेशन टी, एफ का नेगेशन टी। अब मुझे इसका पी डिसजंक्शन क्यू का, पी डिसजंक्शन क्यू का, पी डिसजंक्शन क्यू का इसके साथ क्या चाहिए, कंजंक्शन, टी एफ बिकम्स एफ, टी टी बिकम्स टी, हाँ वही बोल रहे, टी टी बिकम्स टी, लुक एट टी टी बिकम्स टी, टी टी बिकम्स टी, लुक एट स्टेप। क्या चाहिए मुझे, पी कंजंक्शन, पी डिसजंक्शन क्यू, ये इसका इसके साथ मतलब इन दोनों का, दोनों का क्या चाहिए अपने पास, कंजंक्शन। तो देखो टी एफ क्या बना कंजंक्शन में, एफ बना, टी टी क्या बना, टी बना, टी टी क्या बना, अगेन टी बना। ओके, इसको ध्यान दो, नहीं देखा, और एफ टी क्या बना, एफ बना। अब इसका नेगेशन ब्रैकेट के बाद पूरे का नेगेशन, एफ का नेगेशन टी, टी का नेगेशन एफ, टी का नेगेशन एफ, एफ का नेगेशन टी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, पी बाय कंडीशनल क्यू,
पी बाई कंडीशनल क्यू। पी बाई कंडीशनल क्यू के अनुसार, पी बाई कंडीशनल क्यू के अनुसार लुक एट द वर्किंग, पी बाई कंडीशनल टी टी बिकम्स टी, टी एफ बिकम्स एफ, एफ टी बिकम्स एफ बाई कंडीशनल एफ होता है, एंड एफ एफ बिकम्स टी। ओके ओके, कॉलम नाम देता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। फ्रॉम द अबाउट ट्रुथ टेबल, सिंस द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ कॉलम नंबर सेवन्थ एंड एट्थ आर आइडेंटिकल, सेवन्थ एंड एट्थ आर आइडेंटिकल, देयरफॉर दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, मीन्स पी बाई कंडीशनल क्यू एंड नेगेशन ब्रैकेट पी टी जंक्शन क्यू ब्रैकेट क्लोज कंजंक्शन नेगेशन ब्रैकेट पी कंजंक्शन क्यू आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, एंड हेंस वी राइट, देयरफॉर राइट पी बाई कंडीशनल क्यू इज सिमिलर टू नेगेशन ब्रैकेट पी टी जंक्शन क्यू ब्रैकेट क्लोज कंजंक्शन नेगेशन ब्रैकेट पी कंजंक्शन क्यू स्मॉल ब्रैकेट क्लोज लार्ज ब्रैकेट क्लोज, एंड दिस थिंग और इस प्रकार वैष्णवी आपका ये डाउट सॉल्व हो जाता है। लुक एट ट्रुथ टेबल, इंपॉर्टेंट में ट्रुथ टेबल बनाना था तो आपने कहाँ मिस्टेक किया वो आप देख लो। ओके तो आगे बढ़ते हैं, नाउ वी आर ऑन द नेक्स्ट डाउट, वी आर ऑन द नेक्स्ट डाउट। Look at it. Now come on friends, what about next doubt? अगला doubt है आपके पास, okay? Yes, यह है doubt आपके पास। पूजा पावर फ्रॉम इंद्रानगर ब्रांच, okay? तो इसका doubt है कि differentiate with respect to x, पहले differential related question ले रहा हूँ। आज का डाउट नंबर फोर्थ, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ओके, और यहां फंक्शन दिया हुआ है वाई इक्वल टू 25 पावर में दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है लॉग ऑफ सेक एक्स, लॉग ऑफ सेक एक्स टू द बेस 5, log of sec x to the base 5 minus 16 log of 10x, log of 10x to the base 4, yeah, proportion. Look at y equal to 25 to the power log of sec x to the base 5 minus 16 log of 10x to the base 10x to the base 4, ये आपका क्वेश्चन है और इनका कहना है इसको डिफरेंशिएट करके बताओ विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लुक एट कैसे, y इक्वल टू 25 कैन बी रिटन एज 5 द स्क्वायर, इसकी पावर है log ऑफ sec x टू द बेस 5 माइनस 16 को लिख सकता हूं मैं 4 की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज रेज टू द पावर log ऑफ 10x टू द बेस 4। ओके, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, y इक्वल टू 5, ये 2 का से मल्टीप्लाई होकर पावर लॉग प्रॉपर्टी के अनुसार ये हो जाएगा log ऑफ sec स्क्वायर x टू द बेस 5, ये 2 से पावर में आ गया लॉग प्रॉपर्टी के अनुसार, सेम प्रोसेस इधर माइनस 4, ये 2 मल्टीप्लाई होकर पावर में आ गया log ऑफ 10 square x to the base 4. But we know by log property, since a to the power log of a log of b
to the base small a, it always become b. ओके, यानी अगर ये बेस ए हो और लॉग का बेस भी हो तो उसका आंसर बी मिलता है. तो लोग वाई फाई सेम बेस है तो वाई क्या मिला, दिस थिंग दैट इज स्क्वायर एक्स माइनस टू. दोनों इस प्रॉपर्टी का सेटिस्फेक्शन हो रहा है दोनों बेस सेम है, क्या मिला ओनली टेन स्क्वायर एक्स. बट वी हैव आइडेंटिटी sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दैट बिकम्स वन, वाई इज इक्वल टू वन. देखो कितना आसान हो गया डिफरेंशिएट करना. नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, व्हाट वी हैव, वी हैव डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू वन का डेरिवेशन कितना होता है जीरो, दैट इज द फाइनल आंसर. इट इज द डिफरेंशिएशन फॉर द गिवन फंक्शन. ओके, इस प्रकार आपका ये डाउट था बेटा, ये था डाउट पूजा, पूजा पावर का डाउट था. इस पर सॉल्व पूजा का ही नेक्स्ट डाउट है वो भी देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ डाउट के अंतर्गत पूजा पावर का डाउट है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और क्वेश्चन दिया हुआ है कॉट ऑफ. ओके, अभी क्वेश्चन आपका करेक्ट है, देखो आपने सही दिया है, क्वेश्चन देख लो. ओके, वाई इक्वल टू कॉट ऑफ, कॉट ऑफ लॉग एक्स बाय टू, लॉग ऑफ एक्स बाय टू ब्रैकेट क्लोज प्लस लॉग ऑफ, प्लस लॉग ऑफ cot x by 2, cot x by 2, if your question is correct, जो आपने भेजा हुआ है ग्रुप में. तो दैट इज वाई इक्वल टू cot log x by 2 प्लस log of cot x by 2. नाउ वी कैन डायरेक्ट डिफरेंशिएट इट. ओके, व्हाट वी गेट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेशन डिवाइड बाई x इज इक्वल टू इट वर्क फॉर cot, इट वर्क फॉर x, cot x का डेरिवेशन माइनस cosec square x, जैसे tan x का sec square x होता है, cot x का माइनस cosec square x. तो माइनस cosec square x means log x by 2, but it was not x, it was log x by 2, then d by dx of this portion, d by dx of log x by 2 plus log it work for x, log x ka derivation 1 upon x, that is 1 upon x means cot x by 2, but it was not x, it was cot x by 2, means it is complicated function, that is composite function, then again differentiate the composite part, d by dx of cot x by 2. What we have, we have divide by dx is equal to माइनस कोसेक स्क्वायर, माइनस कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स बाय टू इंटू वन बाय टू बाहर लॉग एक्स स्टैंडर्ड एरिया फंक्शन है, उसका स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेशन होता है लॉग एक्स का डेरिवेशन वन बाय एक्स प्लस ये टू रेसिप्रोकल के ऊपर जाएगा टू टाइम्स ऑफ कॉट एक्स इंटू वन बाय टू इंटू कॉट एक्स का डेरिवेशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्टैंडर्ड फंक्शन है, दैट इज माइनस cosec square x. What we have, it get cancelled, rearrange it, then we get dy by dx is equal to minus cosec square in bracket log x by 2 upon 2x, that is 2x, plus minus minus cosec square x divided by cot x. ये आपका आंसर, हालांकि आप इसको सिंप्लीफाई कर देख सकते हैं साइन कॉस में कन्वर्ट करके, पर मैं समझता हूँ उचित नहीं है, केवल इनका उद्देश्य डिफरेंशिएट करना, दैट्स इनफ इफ योर क्वेश्चन इज करेक्ट. ओके, यानी आपने जो क्वेश्चन पूछना चाहा है. तो ये क्वेश्चन था पूजा पावर का, नेक्स्ट चलते हैं. Then we're on the next question. What about next? ये क्वेश्चन है साक्षी पाटिल का.
साक्षी पाटिल का क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साक्षी पाटिल फ्रॉम इंद्रानगर ब्रांच। क्वेश्चन इस प्रकार है, कॉस इनवर्स इन लार्ज ब्रैकेट 3 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ ई रेस्ट टू द पावर एक्स प्लस 2 साइन ऑफ ई रेस्ट टू द पावर एक्स 2 साइन ऑफ ई रेस्ट टू द पावर एक्स होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 30। और इनका कहना है कि इसको डिफरेंशिएट करके बताओ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्वेश्चन है फ्रॉम साक्षी पाटिल इंद्रानगर ब्रांच। लुक एट हाउ टू वर्क, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। पहले वी हैव टू सिंप्लीफाई, वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स इट कैन बी रिटन एज गिवन, पहले गिवन चीज को लिख दो, 3 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 30। We get this thing, that is y equal to cos inverse large bracket, go for separating, what we have 3 by root 13 into cos of e to the power x plus 2 by root 13 into sin of e raised to the power, we get this thing, okay। Ab mujhe bataiye isko ye cos inverse wala formula cos ka banna chahiye, to main consider karta hu, let cos alpha equal to, let cos alpha is equal to 3 by root 13, तो obviously sin alpha क्या मिला, sin alpha मिला आपके पास 2 by root 13, okay, then we get y equal to, the above relation become, that is equation, cos inverse, in place of this we can write cos alpha into cos of e to the power x by 7 आ रहेगा, इन प्लेस ऑफ 2 अपॉन रूट 13 वी कैन राइट साइन अल्फा इंटू, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 बाय रूट 13 इज साइन अल्फा इंटू साइन ऑफ ई टू द पावर एक्स। नाउ वी हैव फार्मूला, कौन सा फार्मूला बन गया बच्चों, कॉस ए माइनस बी, क्या होता है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन, कॉस माइनस हो तो फार्मूले में प्लस हो जाता है, प्लस हो तो माइनस हो जाता है, तो क्या मिला, वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स इन लार्ज ब्रैकेट कॉस ऑफ a means alpha minus b means e to the power x bracket close, look at friends, cos a minus b, cos a cos b plus sin a sin b, but we have identity again, kya identity, since cos inverse cos x is equal to x hota hai, x means the angle, then y equal to alpha minus e to the power x, alpha minus e to the power x, then differentiate it with respect to x, alpha kya hai, constant hai because it is the angle, यहां से निकालो यहां से निकालो, इट इज एंगल, इट इज कॉन्स्टेंट, देन वाई इक्वल टू, मैं लिख देता हूं वाई इक्वल टू अल्फा माइनस ई टू द पावर एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ अल्फा माइनस ई टू द पावर एक्स, देन डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू d by dx alpha constant value का derivation 0 minus e to the power x का derivation e to the power x, we get d by dx is equal to minus e to the power x and it is the derivatives of the given function, look at the way ये question पूछा है साक्षी पाटिल ने, साक्षी पाटिल देखिए किस प्रकार अपन इसको sort out करते हैं, alpha consider a constant value, तो आप tan alpha से alpha निकालो या sin से निकालो cos से निकालो, always be constant value, and as you know the differentiation of the any constant value that is separated always be kitna 0, very good, ye aapka is prakar ka doubt solve ho jata hai, we are on the next question, what about it, now we are on next question, question number 6,
यह क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन साक्षी पाटिल का ही है। क्वेश्चन इस प्रकार है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लुक एट क्वेश्चन है, कोसेक इनवर्स, कोसेक ऑफ इनवर्स लार्ज ब्रैकेट टेन अपॉन सिक्स टाइम्स ऑफ साइन ऑफ टू रेस टू द पावर एक्स माइनस एट टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ टू रेस टू द पावर एक्स। ओके, नाउ लुक एट, लेट वाई इक्वल टू, लेट वाई इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स टेन डिवाइडेड बाई सिक्स साइन ऑफ टू रेस टू द पावर एक्स माइनस एट कॉस ऑफ टू रेस टू द पावर एक्स। ये आपको मिला। अभी आपको रिलेशन मालूम है, सिंस कोसेक इनवर्स वन बाय एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होता है, तो क्या मिला, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इसका उल्टा, दैट बिकम सिक्स टाइम्स ऑफ साइन ऑफ टू रेस टू द पावर एक्स माइनस एट टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ टू रेस टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय टेन। ये स्टेप मिला, गो फॉर सिंप्लीफाई। अभी मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, करना है टोटल फंक्शन का डिफरेंशिएशन, बट स्टिल वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई इट नाउ। व्हाट वी हैव, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स सिक्स बाय टेन इंटू साइन ऑफ टू रेस टू द पावर एक्स माइनस एट बाय टेन इंटू कॉस ऑफ टू रेस टू द पावर एक्स। सिंपल कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। वाई इक्वल टू साइन इनवर्स, गो फॉर सिंप्लीफिकेशन, टू थ्री जार टू फाइव जार साइन ऑफ टू रेस टू द पावर एक्स टू फोर जार टू फाइव जार कॉस ऑफ टू रेस टू द पावर एक्स, वी गेट दिस थिंग। वही बात है, ये साइन इनवर्स है, फंक्शन साइन का बनना चाहिए, तो इसको मैं कॉस कंसिडर करूंगा तो ये साइन मिलेगा। लेट कॉस अल्फा इज इक्वल टू थ्री बाय फाइव, अल्फा लो बीटा लो गामा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू कंसिडर एज कॉस अल्फा, देन साइन अल्फा इज इक्वल टू फोर बाय फाइव, देन दिस स्टेप बिकम वाई इक्वल टू साइन इनवर्स, वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ इनवर्स इन लार्ज ब्रैकेट थ्री बाय फाइव एस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन ऑफ टू रेस टू द पावर एक्स माइनस फोर बाय फाइव एस साइन ऑफ अल्फा इंटू कॉस ऑफ टू रेस टू द पावर एक्स, कॉस ऑफ टू रेस टू द पावर, दैट वी गेट वाई इक्वल टू साइन इनवर्स। फॉर्मूला बन गया, कौन सा बना, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, ए मीन्स टू रेस टू द पावर एक्स माइनस बी मीन्स अल्फा। लुक एट, थोड़ा एडजस्टमेंट है, साइन अल्फा ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स एक्स मीन्स द एंगल, वाई इक्वल टू टू रेस टू द पावर एक्स माइनस अल्फा, वी गेट दिस थिंग। नाउ इट इज वेरी सिंपल फॉर डिफरेंशिएटिंग, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, व्हाट वी हैव, डिवाइड बाय डीएक्स is equal to d by dx of bracket 2 raised to the power x minus alpha. Now as you know, by the rules of differentiation, if two functions are in addition or subtraction form, then we can separately differentiate them. Separate curve. So d by dx is equal to d by dx of 2 raised to the power x minus d by dx of alpha. What we have, d by dx is equal to 2 to the power x means a to the power x का derivation, a to the power x into log of a means 2 minus alpha is the constant value, इसका derivation 0, that we get dy by dx is equal to 2 raised to the power x into log of 2, that is the final answer. It is the differentiation of this question. तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पूछा था साक्षी पाटिल फ्रॉम इंद्रनगर ब्रांच। ओके, तो इस प्रकार आपको जो भी डाउट है वो टपिंग ऑन द बोर्ड and look at how we are going to simplify it or how we are calculating it. More important question hai ye bhi jo pucha gaya tha. Aage badhte hain.
Now look at, then we are on the next question. What about your question? Gauri Devare. Gauri Devare from Indranagar branch. Question is 782B number. If log of x plus y is equal to log x y plus p. If log of x plus y equal to log of x y plus p, where p is a constant value, then prove that dy by dx is equal to minus y square by x square. It's our question. Minus y square by x square. Log of x plus y equal to log of x y plus p. Then we have to prove dy by dx equal to minus y square by x square. These things we have to show. Look at given condition, log of x plus y is equal to log of x y. So that is log x plus log y, log property ke anusar, plus p is a constant value. Log m into n, log m plus 1 again. Now we are able to differentiate with respect to x. Iska derivation 1 upon x plus 1. Log x ka derivation 1 upon x hota. Okay. Then, but it was not x, it was x plus y. Again d by dx of composite part, that is x plus y, is equal to log x ka derivation 1 by x, log y ka derivation 1 upon y into dy by dx plus p is a separate constant value. It derivation 0 to chokta. What we get? 1 upon x plus 1, bracket x ka derivation 1, y ka derivation dy by dx is equal to 1 upon x plus 1 upon y into dy by dx. Multiplying 1 upon x plus 1 plus 1 upon x plus 1 into dy by dx is equal to 1 by x plus 1 upon y dy by dx. Divide x tum ko alag karo. Kya mila? 1 upon x plus 1 divided by dx minus 1 upon y divided by dx.